तो देखो आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी के बारे में। जीएसटी क्या है और जीएसटी को लाया क्यों गया, क्या रीज़न था जो जिसको जीएसटी को गवर्नमेंट लेके आना चाहती थी। सबसे पहले जीएसटी की जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब जीएसटी को लेके आने का रीज़न क्या था, क्या जीएसटी के आने से पहले इंडिया के अंदर कोई टैक्स सिस्टम नहीं था। तो देखो इंडिया के अंदर जीएसटी के आने से पहले भी टैक्स सिस्टम था, लेकिन अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे। कौन कौन से टैक्सेस लगाए जाते थे यहाँ पर, तो जीएसटी के आने से पहले जो इंडिया के अंदर टैक्सेस लगाए जाते थे वो लगाए जाते थे सर्विस टैक्स, परचेज टैक्स, सेल टैक्स, सेंट्रल टैक्स, आपका टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एंट्री टैक्स, सरचार्ज, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। इतने सारे के सारे टैक्सेस लगाए जाते थे जीएसटी के आने से पहले। लेकिन जीएसटी को लाने का मेन रीज़न यही था कि इतने सारे टैक्सेस ख़त्म हो जाए और उन टैक्सेस की जगह एक सिंपल और आसान टैक्स आ जाए जिसको नाम दिया गया जीएसटी। यानी कि आपने पहले देखा होगा कि अगर कोई आइटम दिल्ली के अंदर सस्ती है तो आप यूपी गए, आपने वो आइटम यूपी से खरीदी तो वो आइटम आपको वहाँ पर महंगी मिलती है। महंगी होने का क्या कारण है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सामान आउट ऑफ कंट्री से खरीद के लेके आते हैं, सऊदीया से या दुबई से। वहाँ से लाने का यहाँ रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ पर टैक्सेस नहीं है वहाँ पर सामान खरीदने पर, लेकिन इंडिया में टैक्सेस लगाए जाते हैं आपके। अगर आपने कोई एक लैपटॉप खरीदा है 30,000 रुपये का, तो 30,000 रुपये पर आप कम से कम 6,000 रुपये टैक्स देकर आए हो गए। यानी कि जिस लैपटॉप की कॉस्ट 25,000 रुपये है, वही लैपटॉप आपको 30 से 32,000 रुपये का पड़ेगा, यानी कि 7,000 रुपये आपने वहाँ पर क्या दे दिए, टैक्स के दे दिए आप। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या था, अलग अलग तरह के टैक्सेस लगाए जाते थे, जिससे क्या होता था हर एक स्टेट के हिसाब से टैक्स रेट यानी कि आइटम का रेट कम या बढ़ती होता वहाँ पर मिलता था। तो जीएसटी लाया गया, जीएसटी का लाने का मेन कारण ये था कि वन नेशन वन टैक्स हो जाए, ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक तरह का टैक्स सिस्टम आ जाए। किसी भी स्टेट में आप जाओ तो जो आइटम का टैक्स रेट आपको दिल्ली में मिले वही आइटम का टैक्स रेट आपको यूपी में मिले। हाँ, वो अपना प्रॉफिट कम बढ़ती कर सकता है, लेकिन मेन रीज़न क्या है किसी भी आइटम के बढ़ने का, मेन रीज़न है टैक्स। टैक्स अगर ज़्यादा होगा तो आइटम का रेट क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, और अगर टैक्स रेट कम होगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उस आइटम का रेट यहाँ पर कम हो जाएगा। ठीक है, अब टैक्सेस कितने तरह के होते हैं, टैक्सेस दो तरह के होते हैं, एक होते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, कौन कौन से टैक्सेस होते हैं हमारे, दो टैक्सेस होते हैं हमारे, एक डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस में कौन कौन से टैक्सेस आते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं हमारे टीडीएस और इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है हमारे जीएसटी। कौन सा टैक्स आते हैं हमारे डायरेक्ट टैक्सेस में, इनकम टैक्स और टीडीएस, और इनडायरेक्ट टैक्सेस में आते हैं हमारे जीएसटी। अब इन दोनों टैक्सेस में डिफरेंस क्या है, इन दोनों टैक्सेस में डिफरेंस ये है कि इनकम टैक्स क्या किया जाता है, उसी पर्सन से चार्ज किया जाता है जिसकी उतनी इनकम हो। उतनी इनकम से क्या मतलब है, हर साल फरवरी मंथ में क्या होता है, बजट आता है, गवर्नमेंट अपना बजट पेश करती है और बजट में रखा जाता है कि कितनी इनकम वालों को हम यहाँ पर इनकम टैक्स से बाहर रखेंगे। यानी कि अभी जो बजट आया था लास्ट, उसमें बताया गया था कि अगर आपकी 5 लाख तक इनकम है, यानी कि अगर आप एक साल में 5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आपको वहाँ पर इनकम टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में कमाते हैं तो आपको वहाँ पर 10% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 5 लाख का भी 10% निकालोगे तो कितना बैठेगा, 50,000। तो यानी कि आपने अगर 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा कमा लिया तो आपको 50,000 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, और वो टैक्स आ जाएगा आपका इनकम टैक्स के अंदर। अब दूसरा टैक्स है क्या, जीएसटी।
जीएसटी कोई भी भेदभाव नहीं करता, चाहे आपकी इनकम 1 रुपये हो, चाहे आपकी इनकम 10 रुपये हो, या आपकी इनकम 10 लाख रुपये हो, ये आपका हर एक आइटम पर टैक्स लगता हुआ मिलेगा आपको। जैसे कि अगर आपने एक माचिस भी खरीदी है, तो माचिस के पीछे आप देखोगे बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव, यानी कि आपने जो 1 रुपये की माचिस खरीदी उस पर भी आपने क्या दिया है, टैक्स दिया है। 10 रुपये का साबुन खरीदा तो उसके पीछे भी देखोगे क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव। 2 रुपये की कोई मेडिसिन खरीदी, उसके पीछे भी आपको देखने के लिए मिलेगा ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव। यानी कि जितने भी आपने प्रोडक्ट खरीदे उन सभी पर क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, ऑल टैक्सेस इंक्लूसिव, यानी कि उस प्राइस के अंदर टैक्स आपका पहले से ही जुड़ा हुआ है जो आइटम आप खरीद रहे हैं। तो जीएसटी चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो, ये भेदभाव नहीं करता, सब पर एक समान रहता है। लेकिन इनकम टैक्स क्या है, ये भेदभाव करता है। ये कहता है कि अगर आपने कमाया है तो ही देना पड़ेगा, अगर आपने कमाया नहीं है तो फिर आपको वहाँ पर क्या नहीं देना, टैक्स नहीं देना। ठीक है, किसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स के अंदर। लेकिन जीएसटी ऐसा नहीं करता, जीएसटी कहता है चाहे आपकी इनकम 1 रुपये हो चाहे आपकी इनकम 10,000 रुपये हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर आप कोई भी सामान खरीदोगे तो क्या दोगे हमें टैक्स देकर आओगे यहाँ पर। ठीक है, तो जीएसटी ये कहता है, जीएसटी के अंदर कितने तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। जीएसटी के अंदर जो बेसिकली टैक्सेस लगाए जाते हैं हमारे, ये है जीएसटी टैक्स रेट। टैक्स रेट आपका 3% टैक्स रेट लगाया जाता है गोल्ड पर, 5% टैक्स लगता है फैब्रिक और गारमेंट पे, 12% टैक्स लगता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक आइटम और गारमेंट की प्रोडक्ट पर, 18% भी ये इलेक्ट्रॉनिक आइटम, और इसके अंदर और भी दूसरी आइटम आ जाती हैं 12% में, पेपर वगैरह भी आ जाते हैं, और एक लगता है अब हमारा 28% टैक्स लगता है हमारा लग्जरी गुड पर। लग्जरी गुड्स क्या होते हैं हमारे, लग्जरी गुड्स होते हैं हमारे ब्रांडेड आइटम। जो भी आपने ब्रांडेड आइटम खरीदी है उन सभी आइटम्स पर आपको क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर 28% टैक्स देना पड़ेगा। ब्रांडेड आइटम क्या हो गई, जैसे कि आपने कोई BMW कार खरीद ली, R15 बाइक खरीद ली, बुलेट खरीद ली, आईफोन खरीद लिया, इन सभी पर आप जो टैक्स रेट देकर आओगे वो टैक्स रेट देकर आओगे आप 28%। ठीक है, और बाकी जो दूसरे आइटम खरीदोगे उन पर आपका टैक्स रेट या 3%, अगर आपने गोल्ड खरीदा है तो गोल्ड पर आपको देखने के लिए मिलेगा 3%, फैब्रिक खरीदा है तो फैब्रिक पर आपको देखने के लिए मिलेगा 5% फैब्रिक और गारमेंट। लेकिन अगर आपने गारमेंट खरीद लिया 1,000 से ज़्यादा की कीमत का, तो उस पर आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा 12%। यानी कि अगर आपने कोई जीन्स खरीदी या आपने कोई शर्ट खरीदी और वो वैल्यू उसकी 1,000 रुपये से ज़्यादा हो गई, तो उस पर आपका ऑटोमेटिक टैक्स रेट 5% से बढ़कर कितना हो जाएगा, 12% हो जाएगा। ये आपका गारमेंट और इलेक्ट्रॉनिक आइटम और भी दूसरी आइटम जैसे पेपर वगैरह, इस पर भी आपका 12% टैक्स रेट रहता है। और ये भी सेम आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो गया, या आपकी वुडन की आइटम हो गई, या आपकी टूल किट वगैरह हो गई, इन सब ये 18% की कैटेगरी के अंदर आती है। और 28% की कैटेगरी के अंदर आएंगी आपकी लग्जरी गुड्स। ठीक है, अगर आपने ये आइटम खरीदी तो आपको इतना टैक्स रेट यहाँ पर देना पड़ेगा। अब जीएसटी के अंदर कितने तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं, जीएसटी के अंदर जो बेसिकली जो टैक्सेस लगाए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के टैक्सेस लगाए जाते हैं। कौन कौन से टैक्सी लगाए जाते हैं जीएसटी के अंदर, जीएसटी के अंदर सिर्फ 2 टैक्सी लगते हैं आपके। एक लगता है आपका आईजीएसटी, आईजीएसटी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा टैक्स लगते हैं हमारे सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और एसजीएसटी की फुल फॉर्म होती है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, और एक इसके अंदर एसजीएसटी की जगह आप देखोगे एक टैक्स और दिखाता है यहाँ पर आपको यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी की फुल फॉर्म होती है यूनियन
ट्रेडरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब आपको मालूम है इंडिया के अंदर राज्य भी हैं और केंद्र शासित राज्य भी हैं। जब जीएसटी बनाया गया था, जीएसटी बेसिकली बनाया गया था राज्यों के लिए, लेकिन बाद में ध्यान आया कि इंडिया के अंदर राज्य के साथ साथ क्या भी हैं, केंद्र शासित राज्य भी हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि आपका दिल्ली है, आपका चंडीगढ़ है, ठीक है, और आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह दादर नगर हवेली है, अब आपका लेह लद्दाख भी है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर भी है। लेकिन दो ऐसे राज्य थे जो आपके यहाँ पर, अगर आप चंडीगढ़ में अगर आप सामान खरीदते हैं बेचते हैं तो वहाँ पर आपको जो टैक्स लगता वो UTGST लगता, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी और अब जम्मू एंड कश्मीर तीन ऐसे राज्य हैं जहाँ पर आपका UTGST टैक्स नहीं लगता। UTGST जो टैक्स जो बनाया गया था बेसिकली बनाया गया था केंद्र शासित राज्यों के लिए, लेकिन केंद्र शासित राज्यों के लिए बनाया गया था UTGST टैक्स, लेकिन दिल्ली और पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर ऐसे ये तीन राज्य थे जिनके पास क्या था, अपना अपनी विधानसभा थी, अपना विधानमंडल था, इसलिए दिल्ली पांडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर को UTGST से बाहर रखा, बाकी दिल्ली को GST के अंदर एज ए स्टेट ही ट्रीट किया जाता है, स्टेट माना जाता है दिल्ली को, पांडुचेरी को और जम्मू एंड कश्मीर को। लेकिन जो बाकी जो दूसरे केंद्र शासित राज्य हैं वहाँ पर अगर वो कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, अगर अपने ही स्टेट में सामान को बेचेंगे या खरीदेंगे, तो उस केस में वो जो टैक्स लगाएंगे वो टैक्स लगाएंगे CGST के साथ UTGST। लेकिन अगर आप दिल्ली में हैं और दिल्ली से ही माल खरीद रहे हैं और दिल्ली में ही माल बेच रहे हैं, तो वहाँ पर जो आपको टैक्स लगाना है वो टैक्स लगाना है कि आपको CGST और SGST। यहाँ पर आपका UTGST वाला रोल यहाँ पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आप दिल्ली के व्यापारी हैं, कौन सा टैक्स, दो टैक्स लगेंगे आपके, एक तो CGST और दूसरा SGST। अगर हमने दिल्ली से बाहर सामान बेचा तो फिर कौन सा टैक्स लगेगा यहाँ पर, अगर आपने दिल्ली से बाहर सामान को बेचा तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो टैक्स लगेगा IGST। ठीक है, अगर मैंने कहा अब मैंने चंडीगढ़ सामान बेच दिया तो कौन सा टैक्स लगेगा, IGST लगेगा या UTGST लगेगा, है IGST ही टैक्स लगेगा। UTGST आपका तब लगेगा जब आप उस स्टेट में हैं और उसी स्टेट में गुड्स को बेच रहे हैं, तब लगेगा आपका UTGST। लेकिन अगर आप दिल्ली के व्यापारी हैं और आपने सामान बेचा UP के अंदर, हरियाणा के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, कहीं पर भी आपने सामान को बेच दिया, तो वहाँ पर जो टैक्स लगेगा आपका वो टैक्स लगेगा आपका IGST। कौन सा टैक्स लगेगा आपका, वो टैक्स लगेगा आपका IGST। ठीक है, कब लगेगा, जब आपने एक स्टेट से दूसरी स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन करी है, तब आपको जो टैक्स देना है वो टैक्स देना है वहाँ पर, क्या वो टैक्स देना है, IGST। अब GST के अंदर GST नंबर बनाया कैसे, ये आपको मालूम कैसे चलेगा कि आपने जो सेल किया है वो किस स्टेट में सेल किया है, तो मालूम चलने के लिए जो बनाए गए स्टेट कोड बनाए गए हर एक स्टेट के लिए, यानी कि जितनी भी हमारी स्टेट हैं उन हर एक स्टेट को वहाँ पर क्या दे दिया गया, यहाँ पर स्टेट नंबर दे दिया गया। जैसे कि सबसे ऊपर क्या है टॉप में, जम्मू एंड कश्मीर है, तो जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर जो नंबर दिया गया है वो नंबर दे दिया गया यहाँ पर क्या, 01। और जम्मू एंड कश्मीर के बाद क्या है हमारा, हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया यहाँ पर 02। हिमाचल प्रदेश के बाद क्या है, पंजाब है, तो पंजाब को दे दिया गया 03। पंजाब के बाद चंडीगढ़ है यहाँ पर, तो चंडीगढ़ को दे दिया 04। चंडीगढ़ के बाद यहाँ पर क्या है आपका, उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड को दे दिया गया यहाँ पर 05। उत्तराखंड के बाद यहाँ पर क्या है, हरियाणा, तो हरियाणा को दे दिया यहाँ पर 06। हरियाणा के बाद फिर यहाँ पर नीचे क्या है, दिल्ली, तो दिल्ली को क्या दे दिया यहाँ पर 07। दिल्ली के बाद ये राजस्थान है, तो राजस्थान को मिल गया
एट। राजस्थान के बाद क्या है आपका? यूपी, तो यूपी को मिल गया क्या? 09। यूपी के बाद क्या है आपका? बिहार, तो बिहार को मिल गया यहाँ पर नंबर 10। इस तरह से हर एक स्टेट को यहाँ पर नंबर दिए गए, इस तरह से लेके ऊपर से लेके इधर, फिर यहां से ऐसे, ठीक है। तो ये नंबर मिले गए हैं हर एक स्टेट को, यानी कि जब भी आप जीएसटी के अंदर सेल करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए आपने जो सेल किया है वो किस स्टेट की पार्टी को सेल किया, और कैसे मालूम चलेगा? स्टेट कोड से मालूम चलेगा। अब बात आती है कि जीएसटी नंबर से आपको कैसे मालूम चलेगा कि कहाँ की पार्टी है, तो मालूम चलेगा आपको जो जीएसटी नंबर बनाया जाता है उसके अंदर यूज़ किया जाता है सबसे पहले दो स्टेट कोड को, यानी कि अगर आप दिल्ली के व्यापारी हैं तो आपको मिल जाएगा क्या? 07। लेकिन अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के तो क्या मिलेगा आपको? 01। लेकिन आप हरियाणा के हैं तो कहाँ क्या मिलेगा आपको? 06। आप यूपी के हैं तो क्या मिलेगा आपको? 09। आप पंजाब के हैं तो क्या मिलेगा आपको? 3। आप बिहार के हैं तो क्या मिलेगा यहाँ पर आपको? 10। ठीक है, तो ये मिल जाएगा आपको स्टेट कोड, इससे मालूम चल जाएगा आपकी पार्टी कहाँ की है। अब हमने कहा दिल्ली के व्यापारी हैं तो 07, और जीएसटी नंबर हमारा टोटल जो रहता है वो 15 डिजिट का रहता है, 15 नंबर का हमारा जीएसटी नंबर रहता है, जिसके अंदर स्टार्टिंग के दो कोड हमारे क्या रहते हैं? स्टार्टिंग के दो कोड रहते हैं हमारे स्टेट कोड, उसके बाद के 10 नंबर रहते हैं हमारे पैन कार्ड नंबर, जो भी आपकी कंपनी के पैन कार्ड नंबर रहेंगे वो आपके 10 नंबर रहेंगे पैन कार्ड नंबर। अब पैन कार्ड नंबर में भी आपको मालूम है कि स्टार्टिंग के 5 वर्ड्स क्या रहते हैं हमारे? अल्फाबेट्स रहते हैं, और 4 वर्ड्स क्या रहते हैं हमारे? नंबर रहते हैं, और लास्ट का एक वर्ड क्या रहता है हमारा? अल्फाबेट्स रहता है। अब बहुत से लोगों को ना यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है कि जीएसटी नंबर डाल लें और यहाँ पर कोई बीच में ओ आ गया तो उसको 0 समझ लेते हैं, और 0 आ गया तो 0 तो आएगा नहीं कभी भी यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर, ओ आ गया तो उसको क्या समझ लेंगे? 0 समझ लेंगे। और अगर आपने यहाँ पर इसको 0 समझ लिया उसका मतलब क्या हो गया? आपका जीएसटी नंबर वहाँ पर गलत डल गया, या फिर लास्ट की डिजिट में आपने इसको 0 समझ लिया तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? आपका जीएसटी नंबर गलत हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के 5 वर्ड अल्फाबेट्स, 4 वर्ड्स नंबर, और लास्ट का एक वर्ड क्या रहेगा आपका? यहाँ पर अल्फाबेट्स ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका 13वां नंबर रहेगा आपका नेचर ऑफ बिजनेस, यानी कि अगर आपके पास क्या आएगा? एक तरह का बिजनेस है तो यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर मिलेगा 1। लेकिन अगर आपके नेचर ऑफ बिजनेस चेंज हो जाता है तो यहाँ पर आपको 1 की जगह क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको 1 की जगह मिल जाएगा 2। नेचर ऑफ बिजनेस कैसे चेंज हो जाता है? जैसे कि आपने कहा आपकी मोबाइल की शॉप है, और मोबाइल की शॉप के साथ साथ आप क्या करते हैं? मोबाइल की शॉप के साथ साथ आप यहाँ पर गारमेंट्स भी बेचते हैं, तो यहाँ पर आपको 1 की जगह क्या मिल जाएगा? यहाँ पर आपको 1 की जगह मिल जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर आपको 90% केसेस में 1 मिलेगा। उसके बाद 14वां करेक्टर फिक्स रहता है जेड, और 15वां करेक्टर गवर्नमेंट खुद से कुछ भी अलॉट कर सकती है। ये आपका जीएसटी नंबर भी हो सकता है, और ये सॉरी नंबर भी हो सकता है आपका, और ये आपका अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मालूम चला कैसे बना हमारा जीएसटी नंबर? स्टार्टिंग के 2 वर्ड क्या रहेंगे? स्टेट कोड, और उसके बाद के 10 नंबर, और उसके बाद 13वां नंबर नेचर ऑफ बिजनेस, और 14वां नंबर फिक्स रहेगा जेड, ये कभी चेंज नहीं होगा। और 15वां करेक्टर क्या रहेगा आपका? 15वां करेक्टर या तो आपका अल्फाबेट्स हो सकता है, या फिर आपका कोई भी नंबर भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद हम आते हैं जीएसटी के अंदर ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब हम जीएसटी के अंदर काम करेंगे तो कैसे हमें यहाँ पर ट्रांजेक्शन करनी है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी बनाते हैं जीएसटी के अंदर, और जीएसटी के अंदर कंपनी बनाने के साथ हम देखेंगे कैसे ये काम करता है आगे। तो कंपनी हम बना लेते हैं, तो सबसे पहले हमको दी गई यहां पर परचेज,
सबसे पहले में कंपनी का नाम दिया गया है कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल, तो कंपनी हम बना लेते हैं किस नाम से, कंपनी बना लेते हैं कंप्यूटर वर्ल्ड इंटरनेशनल के नाम से। और शॉर्ट नेम हम डाल देते हैं यहाँ पर CWI, कंट्री हमारी इंडिया है और स्टेट हमारी दिल्ली है। और उसके बाद कंपनी का जो भी आपका एड्रेस है आप कंपनी एड्रेस डाल देंगे यहाँ पर। यामिन क्या कर रहे हैं फोन के अंदर? और उसके बाद आप यहाँ पर डाल देंगे अपना आईटी पैन नंबर। आप देखोगे आप यहाँ पर आईटी पैन नंबर तो दिया नहीं गया, तो कहाँ से मिल जाएगा हमको आईटी पैन नंबर? जीएसटी नंबर से मिल जाएगा आईटी पैन नंबर। तो पहले हम यहाँ डाल देते हैं जीएसटी नंबर, और जीएसटी नंबर से क्या कॉपी कर लेते हैं, जीएसटी नंबर से हम कॉपी कर लेते हैं पैन नंबर। उसके बाद एरिया वार्ड नंबर है कोई, टेलीफोन नंबर हम डाल देते हैं, मेल आईडी, फैक्स नंबर। और यहाँ पर आप अब क्या करेंगे, जीएसटी को बंद करने की जगह जीएसटी को यस कर देंगे, और यहाँ पर हमेशा अभी रखेंगे रेगुलर। रेगुलर रखने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, यस कर देंगे। अब आपका क्या हो जाएगा, ये सेव होना शुरू हो जाएगा। कंपनी बनेगी, 10 से 20 सेकंड लग जाएंगे कंपनी को बनने के लिए। अब हमारी कंपनी बनकर तैयार हो गई। कंपनी बनने के बाद अब हमने यहाँ पर क्या किया, अकाउंट्स में आए और यहाँ पर बंद कर दिया बिलेबल डिटेल को, बैंक रिकंसिलेशन को चालू कर देंगे, और जो हम फीचर ऑप्शन यहाँ पर रेगुलर चालू करते हैं उन्हीं को यहाँ पर हम यस रखेंगे। एग्जिट किया, और एग्जिट करने के बाद अब आप आ जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर। ट्रांजेक्शन के अंदर आएंगे और आएंगे परचेज के अंदर, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद डेट अब हम निकाल लेंगे यहाँ पर परचेज लिस्ट। और परचेज लिस्ट निकालने के बाद पार्टी का नाम, वाउचर नंबर डाल देते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि आप जो परचेस कर रहे हैं वो किस रेट में परचेस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो अब आपके सारे रेट आ जाएंगे, 5%, 12%, 18% या फिर 28%। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं आपको, एक दिया गया है IGST और दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है आपका लोकल, यानी कि अगर आपने विद इन स्टेट में सेल किया, अगर आप दिल्ली के व्यापारी हैं और आपने दिल्ली में ही सामान बेचा, तो यहाँ पर आपको लगाना है लोकल, एल का मतलब है लोकल। और अगर आपने दिल्ली से बाहर बेचा है तो यहाँ पर आपको लगाना है क्या, यहाँ लगाना है आपको IGST। अब कैसे लगाना है, आपको चेक करना है जो आप सामान खरीदे हो उस पर टैक्स रेट कितना है आपका। तो आपने जो सामान खरीदा तो आपने यहाँ पर देखा टैक्स रेट कितना है उस पर, 18% है। और कहाँ की पार्टी है ये, 06 कहाँ का था, हरियाणा का था। तो हम यहाँ पर क्या डालेंगे अब, IGST, और IGST कितना, 12 या 5 या 18, 18 क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर जो सामान खरीदा है वो सामान खरीदा हमने 18% टैक्स रेट वाला। तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, 18, और 18 में क्या डाल दिया, IGST आएगा लोकल आएगा, IGST आएगा। तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, IGST। पार्टी बना ली, और पार्टी हमें दी गई है A to Z इंटरनेशनल, तो हमने यहाँ पर पार्टी बना ली A to Z इंटरनेशनल, और क्या डाल दिया, पार्टी के लिए हमने डाल दी स्टेट और उसका GST नंबर, GST नंबर डाला, एंटर किया। और जैसे आप एंटर करोगे तो देखो मैसेज क्या दे रहा है, यहाँ पर क्या मैसेज दे रहा है, कह रहा है कि आप GST नंबर डाल लो कहाँ का, हरियाणा का, लेकिन आपने स्टेट क्या कर रखी है, दिल्ली का रखी है।
अब दिल्ली आपने डाल दी यहाँ पर, दिल्ली की जगह क्या आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। अब बहुत सी जगह क्या लिखा होता है कि बिल बनाया और बिल में आपको लिखा हुआ मिल रहा है कि लखनऊ, लखनऊ जगह का नाम मिल दिख रहा है। अब बहुत से लोग यहाँ पर क्या करने लगते हैं, लखनऊ डालने लगते हैं। तो लखनऊ यहाँ पर आएगा क्या, लखनऊ क्यों नहीं आएगा, स्टेट नहीं, लेकिन स्टेट क्या है हमारी, यूपी है, तो यूपी आएगा लखनऊ की जगह। तो यहाँ पर क्या डालना है अभी हमें, यहाँ पर हरियाणा, ठीक है। पैन नंबर इसका ऑटोमेटिक आ जाएगा। और अब क्या करेंगे आप, इसको F2 से सेव कर देंगे। अभी बाकी डिटेल नहीं डालनी हमें, यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर मेन स्टोर और नीचे आप रखेंगे इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। क्या रखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर रखेंगे हम इनपुट गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद अब यहाँ पर हम बनाएंगे आइटम, और आइटम हमको जो दी गई है हम वो आइटम बना लेंगे। तो हमको आइटम ये दी गई है, तो हमने आइटम यहाँ से बनाई, F3 बटन दबाया, कंट्रोल V, आइटम का नाम लिखा, पीसीज में लिखा, और यहाँ पर अब इसका टैक्स कैटेगरी कितने परसेंट वाला खरीदा हमने, 18, तो 18 डाला। उसके बाद दिखाता है HSN और SSC कोड फॉर GST। HSN के फुल फॉर्म होती है हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिन क्लेचर, हार्मोनाइज सिस्टम नॉमिन क्लेचर, और SSC की फुल फॉर्म होती है सर्विस अकाउंट कोड। जब भी आप गुड्स का बिजनेस करेंगे तो यहाँ पर आपको डालना है HSN कोड, और जब भी आप सर्विसेज का बिजनेस करेंगे तो आपको डालना है SSC सर्विस अकाउंट कोड, HSN हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमिन क्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नॉमिन क्लेचर। अब ये डाल दिया आपने HSN नंबर, और HSN नंबर कितने डिजिट का है आपका, ये डाल दिया आपने यहाँ से देख के 9607। अब सेलिंग प्राइस क्या दिया गया आपको, सेलिंग प्राइस दिया गया आपको 300, परचेसिंग प्राइस दिया गया आपको 200। सेव करने के लिए आप क्या करोगे, आप F2 बटन दबाओगे। कितनी क्वांटिटी है आपकी, आपने 500 क्वांटिटी परचेस करी। उसके बाद फिर आगे आपने जो सामान खरीदा, आपने ये सामान खरीदा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर लिया, F3 बटन दबाया, दोबारा ये आइटम बनाई हमने पीसीज में। टैक्स कैटेगरी हमारी सेम 18% है, HSN नंबर हमारा 9607 है, सेलिंग प्राइस क्या हमारा 300 है, परचेजिंग प्राइस हमारा 200 है, और F2 बटन दबाकर हम सेव कर देंगे। कितनी क्वांटिटी है हमारी, 500 है, तो 500 डाला। उसके बाद फिर हमने दोबारा F3 बटन दबाया, और यहाँ पर जो आइटम दी गई है वो आइटम हमने यहाँ पर डाल दी। पीसीज में है तो पीसीज में 18% है, 9607 है, सेलिंग प्राइस 300 है, परचेजिंग प्राइस 200 है। F2 बटन दबाकर हमने क्या कर दिया, सेव कर दिया, और क्वांटिटी कितनी है, 500 है। उसके बाद दोबारा आपने F3 बटन दबाया और क्या डाल दिया, और यहाँ पर पीसीज के अंदर 18% और 9607, 300, 200, और F2 बटन दबाकर आपने क्वांटिटी कितनी डाल दी, 500। और यहाँ पर आप क्या डाल देंगे, अब नीचे जब आएंगे तो आप यहाँ पर अप्लाई टैक्स करेंगे, F4 बटन दबाएंगे, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली टैक्स कैलकुलेट कर लेगा। देखो आपने सामान कितने का खरीदा, 4 लाख का, लेकिन 4 लाख पर आपने कितना टैक्स दिया, 72,000 रुपये। तो टोटल बिल की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 4,72,000। और अब आप क्या कर देंगे, इसको F2 बटन दबाकर सेव कर देंगे। तो पहला वाउचर आपका कंप्लीट। अब सेकंड वाउचर जो आपने परचेज किया, यह पार्टी हमारी कहाँ की, यह पार्टी हमारी दिल्ली की है, और टैक्स रेट कितना परसेंट है यहाँ पर, 18 ही है, तो आपने 18 डाला। अब क्या आ जाएगा, IGST आएगा, लोकल आएगा, तो लोकल आ गया, और F3 बटन दबाया आपने, पार्टी का नाम डाला आपने यहाँ पर, ग्रुप में क्या डाल दिया हमने, सिंडिकेटर, स्टेट क्या है हमारी, दिल्ली है, GST नंबर दिल्ली का आप आ जाएगा। ठीक है, और F2 बटन दबाया आपने, एंटर कर दिया। अब उसके बाद जो आइटम आपने खरीदी, क्या आइटम खरीदी है, ये सामान खरीदा आपने, तो आपने यहाँ पर F3 बटन दबाया, और यहाँ पर जो ये आइटम है ये पीसीज में नहीं है, NOS में है,
तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ पीसेस बना लेंगे, क्या करेंगे F3 बटन दबाएंगे और लिख देंगे एनओएस, और अंडर के ग्रुप में डाल देंगे नोस नंबर्स, ठीक है। एंटर किया और यहाँ पर टैक्स रेट 18% है और HSN नंबर क्या है 7807, और क्या प्राइस दिया गया हमें यहाँ पर 550 450, और F2 बटन दबाया आपने, कितनी क्वांटिटी है 400 क्वांटिटी खरीदी आपने। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या लगा आपका टैक्स लगा, आइटम आपने ये खरीदी और ये भी आपका एनओएस में है, 18% टैक्स रेट है, 7807 HSN नंबर है, 550 आपका सेलिंग प्राइस है, 450 आपका परचेजिंग प्राइस है, और आपने F2 बटन दबा कर इसको सेव कर दिया। कितनी क्वांटिटी है हमारी 400 है, तो 400 डाली हमने। उसके बाद दोबारा हमने F3 बटन दबाया और क्या आइटम बनानी है हमने आइटम, अब नीचे वाली आइटम बना ली और किस में, ये भी हमारा एनओएस में है, कितने परसेंट टैक्स रेट है हमारा 18, और HSN नंबर हमने देख के डाल दिया, ठीक है। उसके बाद कितनी क्या रेट है 400 क्वांटिटी है, और उसके बाद हमने जो आइटम खरीदी ये आइटम खरीदी है और F3 बटन दबाया और हमने आइटम ये डाल दिया एनओएस, और 18% 7807, और ये क्या प्राइस है 450 और 550, क्वांटिटी 400। और यहाँ पर जब आप अप्लाई टैक्स करोगे तो अब देखोगे आपके कितने टैक्स लग गए, दो टैक्स लग गए, और दोनों क्या लग गए आधे आधे टैक्स लग गए, CGST भी आधा लगेगा और IGST भी आधा लगेगा। लेकिन जो हमने जो दूसरा परचेस किया था, क्या परचेस किया था हमने, जो हमने A to Z से परचेस किया, तो यहाँ पर आपने देखा पूरा का पूरा क्या लग गया आपका 18% लगा IGST। लेकिन जब भी आप दिल्ली टू दिल्ली खरीदेंगे तो यहाँ पर आपके दो टैक्स लगेंगे CGST और SGST, और ये दोनों बराबर ही टैक्स रहेंगे, ना कोई ज़्यादा होगा ना कोई कम होगा। तो 9% 9% और 64,800 और 64,800, अगर ये दोनों आपके अलग अलग आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये डालने ये गलत डल रहा है आपका, डालने में आपसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है जिसकी वजह से आपका गलत आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों का सेम ही आएगा ये, ठीक है। जो भी टैक्स की कलेक्शन होती है दो दो जगह बढ़ता है, एक जाता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और एक जाता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास, और ये जो IGST वाला होता है इसमें भी ये पूरा जाता है किसके पास, ये जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और बाद में इसमें कुछ हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता है, ठीक है। तो क्या है आपका आधा आधा हो गया CGST और SGST, और अब आप क्या करेंगे आप इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दें। ये तो हो गया आपका सिंपल टैक्स रेट। अब अगर आपने कोई ऐसी आइटम खरीदी है जिसके अंदर मैंने कहा भाई ये आइटम जो मैंने खरीदी अब इसके अंदर टैक्स रेट क्या है, मैंने कहा भाई एक में 18 है 28 है, दूसरे में 18 है, फिर 12 है, फिर 5 है, अब मैंने ये आइटम खरीदी है तो ये आइटम मुझे किस तरह से डालनी पड़ेगी। तो अगर आप कोई ऐसा सामान खरीद रहे हैं और एक ही बिल के अंदर क्या है आपका टैक्स रेट आपका डिफरेंट है, तो उसकी एंट्री कैसे डालेंगे यहाँ पर, तो उसकी एंट्री डालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना रहेगा। अब हमने सामान खरीदा ऐसा कि जिस पर आइटम का टैक्स रेट ही अलग अलग है, 28% भी है, 18 भी है, 12 भी है, 5 भी है, तो उसके लिए आपको सिंपल टैक्स रेट नहीं डालना। सिंपल टैक्स रेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये मान लेगा कि आपने सिर्फ 18% वाली आइटम खरीदी है, ये मान लेगा अगर आपने 12 डाल दिया तो ये मान लेगा कि आपने 12% वाली आइटम खरीदी है, और अगर आपने यहाँ 5 डाल दिया तो ये मान लेगा कि आपने जो आइटम खरीदी है उस पर टैक्स रेट क्या आपका उस पर 5% है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या डालना है, हमें यहाँ पर डालना है आइटम वाइज। आइटम वाइज का मतलब है कि हर एक आइटम पर ये टैक्स कैलकुलेट करे, जितना भी उस आइटम पर क्या हो वहाँ पर टैक्स रेट हो। तो यहाँ पर हमें रखना है आइटम वाइज। अब आइटम वाइज क्या आएगा आपका, अगर दिल्ली में खरीदा तो आइटम वाइज क्या आ जाएगा लोकल, और अगर दिल्ली से बाहर खरीदा तो आइटम वाइज क्या आ जाएगा आपका IGST। दिल्ली में खरीदा एल का मतलब है लोकल और आई का मतलब है IGST, ठीक है। ये आपका विद इन स्टेट, ये आपका आउट ऑफ स्टेट, ठीक है। इस तरह से इंडिकेट किया जाता है इसको कि अगर आपने सेम स्टेट में खरीदा तो उसके लिए यहाँ पर लोकल रखना है, और अगर आपने सेम स्टेट से नहीं खरीदा, अलग स्टेट से खरीदा या अलग स्टेट में बेचा
तो उसके लिए आपको क्या रखना है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर रखना है आपको IGST आइटम वाइज। ठीक है, तो हमने क्या रख दिया, IGST लोकल लगेगा, आइटम वाइज लगेगा, कौन सा लगेगा, लोकल लगेगा या एल लगेगा, आई लगेगा। आई क्यों लगेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये इंटर स्टेट है, दिल्ली की पार्टी नहीं है, यहाँ पर दिल्ली से बाहर की पार्टी है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या रखा, IGST रखा। और यहाँ पर अब हमने F3 बटन दबाया और क्या डाल दिया, पार्टी का नाम शिवा ट्रेडिंग कंपनी। अब ग्रुप में हमने डाल दिया क्या, संड्री कैडे डाल दिया। अब ये स्टेट कहाँ की है, 33, हमने पता नहीं कहाँ की स्टेट है, मैं डाल दिया यहाँ पर, जैसे कि कुछ और डाल दिया मैंने यहाँ पर, मैंने कहा भाई ये देख लेते क्या गोवा की है, अब क्या गोवा का तो 30 है यहाँ पर। अब फिर हमने चेक किया, याद नहीं है, हमने कहा दादर एंड दियो, कह रहा इसकी तो 25 है। अब हमें देखना है बिजी के अंदर स्टेट कोड, कि हमको मालूम चल जाए कि बिजी के अंदर स्टेट कोड क्या है। अगर आपको याद नहीं है, वैसे तो उसका तमिलनाडु है, 33 यहाँ पर, लेकिन अगर आपको बिजी के अंदर ही देखना है स्टेट लिस्ट, तो जैसे आप कंपनी बना रहे हैं यहाँ पर ही इस एरो बटन दबाओगे, एडमिनिस्ट्रेशन में आओगे, मास्टर के अंदर, और मास्टर में मिसलिनियस मास्टर, और मिसलिनियस मास्टर में मिल जाएगा आपको स्टेट, और इसमें मिलेगा आपको स्टेट लिस्ट। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 33 बता देगा कहाँ की है, तो 33 कहाँ का दिखा रहा है, तमिलनाडु का। तो यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, तमिलनाडु डाल दिया, और इसका अब हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, GST नंबर डाल देंगे कॉपी करके। तो हमने GST नंबर डाला और इसको हमने हम क्या कर दिया, F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। और अब हमने यहाँ पर जो आइटम बनाई है यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, अब हमने ये आइटम डाल दी, F3 बटन दबाया और क्या डाल दिया, आइटम का नाम, पीसीज में है तो पीसीज, और टैक्स कैटेगरी कितनी है, 28 है तो 28, HSN नंबर क्या है, 7707, सेलिंग प्राइस क्या है, 650 और 360, तो 650 और 360 डाल दिया। सेव करने के लिए क्या कर दिया, F2 बटन दबा दिया, कितनी क्वांटिटी है इसकी, 190। तो जैसे अब यहाँ पर आप एंटर करोगे और एंटर कर दोगे, तो यहाँ पर आप देखोगे टैक्स है 28%, और टैक्स कितना बन गया इसका, 19,152। अब यहाँ पर नीचे टैक्स ही लगाना, और आप देख रहे हो नीचे टैक्स लगाने का ऑप्शन भी नहीं आ रहा आपके पास। जब भी हम आइटम वाइज टैक्स लगाएंगे तो हमें यहाँ पर नीचे टैक्स नहीं लगाना, हमें कहाँ टैक्स लगाना है, यहीं लगा लेना है। जैसे अब यहाँ पर एंटर बटन दबाओगे आइटम के बाहर, तो यहाँ पर अब आपका बता देगा कि यहाँ पर कितना परसेंट टैक्स लग गया, टैक्सेबल आइटम है 68,400 और 19,152 का टैक्स लग गया। और अब इस आइटम की वैल्यू क्या हो गई, इस आइटम की वैल्यू हो गई 87,552 रुपये यहाँ पर। अब आप क्या करोगे, इसको ओके करोगे, और नीचे आप दोबारा आपने क्या करा, नई आइटम बनाई, और इसके लिए आपने यहाँ पर F3 बटन दबाया, किस में, पीसीज में, टैक्स रेट कितना है, 18% है, तो यहाँ पर आपने 18% डाला, और HSN नंबर 707, 650, 360 और F2 बटन दबा के आपने एंटर किया। कितनी क्वांटिटी खरीदी आपने, 285, और 285 डाल के जैसे हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो यहाँ पर देखो टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 1,02,600। टैक्सेबल वैल्यू होती है टैक्स लगने से पहले की वैल्यू, और आपकी फाइनल वैल्यू टैक्स लगने के बाद की वैल्यू, 18,468 रुपये टैक्स बन गया इस पर। और इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी यहाँ पर, 1,21,068 रुपये। तो आप नीचे देखोगे, ये नीचे भी टैक्स रेट आपका अलग दिखा रहा है, 28% और नीचे 18%। और दोबारा आपने F3 बटन दबाया और क्या आइटम खरीदी, ये आइटम खरीदी है, तो यहाँ पर आपने क्या डाल दिया, आइटम का नाम डाला, पीसेज में, अब इस आइटम पर टैक्स रेट कितना है, 12%, HSN नंबर 707, 650 और 360, और F2 बटन दबाकर आपने इसको सेव किया। कितनी क्वांटिटी है इसकी, 480 क्वांटिटी डालोगे, एंटर करोगे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे टैक्स रेट आपका 12% और टैक्सेबल अमाउंट हो गई आपकी 20,736, और यहाँ पर टैक्स रेट आ गया 12%। यहाँ पर देख रहे हो क्या लग रहा है, IGST लग रहा है। अगर ये आपका लोकल होता तो यहाँ पर दो टैक्स लगते हैं, क्या लगता है आपका, CGST और SGST, यहाँ पर
दूसरी आपने जब आइटम खरीदी उसका रेट क्या है आपका, उस आइटम पर रेट है अब आपका 5%। ठीक है, तो ये आपने ये आइटम खरीदी और इसका हमने एफसी से बनाया, यहाँ डाल दिया हमने पीसीस और 5% और 707 क्या डाल दिया हमने इसका 650 और 360। F2 बटन दबाकर आपने इसको सेव किया और कितनी क्वांटिटी है इसकी 320। एंटर करोगे तो अब यहाँ पर टैक्स रेट आपका लग जाएगा क्या 12%। और नीचे अब आपको यहाँ पर क्या नहीं करना, टैक्स नहीं लगाना और डायरेक्ट क्या कर दोगे आप, F2 बटन दबाकर सेव कर दोगे। तो ये अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंप्लीट सेव हो जाएगा। सेव हो गया यहाँ पर हमारा, तो परचेज हमने करना सीख लिया। क्या सीखा हमने, अगर क्या पार्टी अगर एक ही तरह का टैक्स रेट है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको लगाना है क्या, अगर दिल्ली की है तो लोकल और दिल्ली से बाहर है तो IGST। अगर आइटम के अंदर अलग अलग टैक्स रेट है, यानी कि आपने कोई ऐसा सामान खरीदा जिसके अंदर GST रेट आपका अलग है, तो यहाँ पर अब आपका क्या लग जाएगा, लोकल की जगह लग जाएगा आपका IGST। अब देखो सेल करके देखते हैं। अब जब आप सेल करोगे, यहाँ पर सेल करने के लिए आओगे सेल वाउचर के अंदर, तो यहाँ पर हमने डेट डाल दी। डेट डालने के बाद अब अगर आपका सेम टैक्स रेट है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, उस टैक्स का रेट डालोगे। लेकिन अगर सेम टैक्स रेट नहीं है तो यहाँ पर हम डाल देंगे क्या, अगर दिल्ली की पार्टी है तो लोकल और दिल्ली से बाहर की पार्टी है तो क्या डाल देंगे हम, यहाँ पर डाल देंगे हम IGST आइटम वाइज। तो अभी दिल्ली की पार्टी है तो हमने क्या डाल दिया, हमने कहा लोकल डालो। लोकल के लिए हमने यहाँ पर एक पार्टी बना ली और पार्टी का नाम हमने जैसे कोई भी पार्टी देख के डाल दी यहाँ से, जैसे हमने कहा ये है दिल्ली मॉनिटर हाउस, तो हमने यहाँ पर डाल दिया दिल्ली मॉनिटर हाउस। ग्रुप में डाला हमने संडी डेटर और यहाँ पर अब हमने इसका GST नंबर डाल दिया, एंटर किया और F2 से सेव कर दिया। अब ने यहाँ पर जब आप आइटम डालोगे तो एंटर करोगे तो ऑटोमेटिक टैक्स है 28% आ गया, 14 14। अब देखो टैक्स रेट क्या हो गया, आधा आधा हो गया। दूसरी आइटम डाली आपने, अब से 5% था तो 2.5 हो गया CGST और SGST। और अब आपने कोई और दूसरी आइटम डाली तो उसमें कितना हो गया आपका 9 9। और अब जब आप इसको F2 से सेव कर दोगे तो अब आपके बिल के ऊपर सारी चीज़ें दिखाएगा, आपने जो आइटम खरीदी है वो कितने परसेंट टैक्स रेट वाली खरीदी है और उस पर आपका कितना परसेंट टैक्स रेट लगा यहाँ पर। तो देखो पूरी डिटेल, टैक्सेबल अमाउंट और यहाँ पर टैक्स का रेट क्या था, 28% है तो 28%, 5% है तो 5%, 18% है तो 18%, CGST अमाउंट, SGST अमाउंट और टोटल आपकी क्या जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। टोटल वैल्यू क्या जाएगी आपके यहाँ पर टैक्स की, 3,135 रुपये आपने ये आइटम टैक्स कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर आपका टैक्स रेट भी दिखाएगा और टैक्स की अमाउंट भी दिखाएगा और नीचे टोटल बिल की फाइनल वैल्यू, कितनी वैल्यू का आपने सामान सेल किया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 21,635 रुपये। और जब आप ये सेल करोगे, अभी तो आपका ये विदाउट एड्रेस आ रहा है, लेकिन जब आप GST के अंदर सेल करोगे तो यहाँ सारी डिटेल डालोगे, पार्टी का मोबाइल नंबर, पार्टी का GST नंबर, पैन नंबर और इसकी मेल ID, फ़ोन नंबर, इसका पूरा प्रॉपर एड्रेस, उसके बाद ये बिल बनेगा आपका यहाँ पर GST के अंदर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने सीखा कि GST क्या है और GST के अंदर हमको एंट्रीज यहाँ पर किस तरह से डालनी है। तो आज की क्लास हम यही ओवर करते हैं, बाकी अब कल करेंगे।